तो ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो क्विक सेटिंग टाइल्स एंड नोटिफिकेशन ट्रे थी वो ओल्ड स्टाइल हो गई है, ट्रेडिशनल स्टाइल में हो गई है। गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 12 में जो कंट्रोल सेंटर दिया गया न्यू क्विक सेटिंग टाइल्स ऐड की है उसको आप ओल्ड क्विक सेटिंग टाइल्स के जैसे कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टेटस बार का जो लेफ्ट पार्ट है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन ट्रे की तरह काम कर रहा है एंड स्टेटस बार का राइट साइड का पार्ट है कंट्रोल सेंटर को ओपन करने का काम कर रहा है। यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप लेफ्ट या राइट साइड से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन होता है, लेफ्ट साइड से आप स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ट्रे ओपन होती है। कई लोगों को कंट्रोल सेंटर इतना अच्छा नहीं लग रहा है एंड नोटिफिकेशन ट्रे भी अलग से आ रही है तो वो काफ़ी इरिटेटिंग है कई लोगों के लिए, तो इस वीडियो की मदद से आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग्स मोबाइल में ही अवेलेबल है। ओल्ड नोटिफिकेशन ट्रे एंड क्विक सेटिंग टाइल्स के लिए आपको जाना है डिवाइस की सेटिंग्स में। डिवाइस की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेटस बार की सेटिंग। स्टेटस बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर की जो UI है वो iOS का फीचर है। यहाँ पे MIUI ने iOS से इंस्पायर होकर ये कंट्रोल सेंटर ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको बस इस यूज कंट्रोल सेंटर का जो ऑप्शन है इसको आपको बंद करना है। इसको आप MIUI 12 में आप यहाँ पे इस टेक्स्ट पे टैप करने से भी आप इस सेटिंग्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया है। तो ऑफ करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे जो क्विक सेटिंग टाइल्स एंड नोटिफिकेशन ट्रे थी वो ओल्ड स्टाइल हो गई है, ट्रेडिशनल स्टाइल में हो गई है। यहां पे आपको एक फ़ायदा मिला है, जब आप डार्क मोड ऑन करते हैं तो यहां पे आपका जो बैकग्राउंड है वो यहां पे ब्लर होता है। पहले डार्क मोड ऑन करने से नोटिफिकेशन ट्रे थी ट्रैक वाला एरिया था वो फुल डार्क हो जाता था, उसमें कोई ब्लर नहीं होता था। तो यहां पे आपको डार्क मोड ऑन करने के बाद भी यहां पे आपको ब्लर देखने को मिलता है। तो ऐसे आप अपने MIUI 12 में जो ओल्ड नोटिफिकेशन ट्रे आती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको ऑन कर सकते हैं। गाइज अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि MIUI 12 में ये नए फीचर्स ऐड हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं यहाँ पे MIUI 12 बेस्ड आपके लिए फुल रिव्यू भी लाऊंगा, जो नए फीचर हुए हैं उन्हें MIUI 11 से कंपेयर भी करूंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।